दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीबीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। लगभग सभी ब्रांचों को एलिजिबल किया गया है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 6 मई को निकाला गया है। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर बीबीटेक और डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। अगर आपने बीबीटेक किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर 30 पोस्टों पर वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 15 पोस्टों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 10 पोस्टों पर वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर्स के लिए 2 पोस्टों पर वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 5 पोस्टों पर वैकेंसी है और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्टों पर वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है डिप्लोमा अप्रेंटिस। अगर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए 15 पोस्टों पर वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 6 पोस्टों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 5 पोस्टों पर वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 4 पोस्टों पर वैकेंसी है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपकी पासिंग डेट से जो भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है उसके बीच में 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेने हैं, उन सबको आपको सेल्फ टेस्ट करना है और आपको पहुंच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। इंटरव्यू यहाँ पर आपका बालानगर हैदराबाद में होने वाला है। जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपका इंटरव्यू यहाँ पर 23 मई को होने वाला है। अगर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में तो आपका इंटरव्यू यहाँ पर 24 मई को होने वाला है। अगर आप इनके नियरेस्ट लोकेशन में आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।